Hello students, how are you? I hope you will fine. Students, today I will teach you general awareness means EVS. This is your EVS book. Open your book, page number 59. Crack, crack. Listen to your teacher, read the story of a frog. आप अपने टीचर की बात सुनेंगे. यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है फ्रॉग की, उसको आपको सुनना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. I was once a tiny little egg. Slowly I grew into a tadpole. I almost looked like a fish. As a tadpole, I had fins, a tail, and tiny little legs. I grew and dropped my tail. Now I am a big green frog. I can live in water on land. अब इसकी मीनिंग देखते हैं हम. यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है आई वॉज वंस अ टिनी लिटिल एग. मैं बहुत छोटा था जब मैं एक एग में था, मीन्स अंडे में था. स्लोली आई ग्रो इन टू अ टैडपॉल. धीरे धीरे मैं बढ़ने लगा और फिर क्या बन गया, एक टैडपॉल बन गया है. किसकी तरह? एक बिल्कुल मछली की तरह. जैसे फिश होती है, मछली होती, बिल्कुल उसी तरीके से जब ये अंडे से बाहर निकला, बड़ा होने लगा, तो फिर ये मछली के जैसा हो गया. ये फ्रॉग की फर्स्ट स्टेज है. जब वो अंडे से बाहर निकलता है, ये फ्रॉग की फर्स्ट स्टेज है, मतलब इसकी जीवन चक्र का पहला चक्र. ओके, यहाँ पर देखेंगे सेकंड पैराग्राफ में, एज अ टैडपॉल. जब ये फ्रॉग टैडपॉल था, मीन्स छोटा था, मछली के जैसा था, तो इसके पास क्या थे? जैसे मछली के पास क्या होते हैं? फिन्स होते हैं, फाइन्स होते हैं, जिससे वो तैरती हैं. तो ऐसे फ्रॉग के पास भी था, उसके पास एक टेल भी था, मीन्स पूंछ भी था, आप पिक्चर में देख सकते हैं, और छोटे छोटे पैर भी थे. इसके बाद है थर्ड पैराग्राफ में, धीरे धीरे जब ये बड़ा हुआ, आई ग्रो एंड ड्रॉप्ड माई टेल. जब धीरे धीरे ये बड़ा होने लगा, तो इसकी पूंछ क्या हो गई? बढ़ते समय जब ये ग्रो किया, बढ़ा, तो इसकी पूंछ अपने आप ही ख़त्म हो गई, या फिर कह सकते हैं टूट गई. ओके, एंड लास्ट में देखेंगे, नाउ अब आई एम अ बिग ग्रीन फ्रॉग. अभी क्या हो गया, जब इसके स्टेज फर्स्ट स्टेज में ये बिल्कुल एग था, सेकेंड में ये क्या हुआ था, ये धीरे धीरे ग्रो किया और इसमें टेल और फाइन्स थे. इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, इसने थर्ड स्टेज में इसने अपने टेल को ड्रॉप्ड किया, एंड लास्ट स्टेज में ये बिल्कुल एक बिग फ्रॉग बन गया था. ओके, आई कैन लिव इन वाटर ऑन एंड ऑन लैंड. फिर इसके बाद जब ये लास्ट स्टेज में, ये सब लास्ट स्टेज में आने के बाद, ये फ्रॉग बिल्कुल ग्रीन और बिग फ्रॉग बन गया था. और ये कहाँ रहता है फ्रॉग, आप सबको पता है, आई कैन लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड. ये पानी में भी रहता है और लैंड में, मीन्स ज़मीन पर भी रहता है. ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 61 टाइम. नंबर द पिक्चर्स इन द राइट ऑर्डर. यहाँ पर आपको फ्रॉग दिख रहा होगा. इस फ्रॉग में आपको नंबरिंग करना है कि फ्रॉग का फर्स्ट स्टेज कौन है, सेकेंड स्टेज कौन सा है, थर्ड स्टेज कौन सा है, फोर्थ स्टेज कौन सा है. ओके, इसीलिए आपको ये स्टोरी पढ़कर सुनाई गई है, जिससे आप ये नंबरिंग अच्छे से कर सकें. तो आपने यहाँ पर देखा फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज. तो यही स्टेज आपको यहाँ पर नंबरिंग करना. जैसे फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको, जैसे मैं हम बता सकते हैं कि जो फर्स्ट पिक्चर है, ये पहला स्टेज है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने मन से करना, डू इट योर सेल्फ. बट हम बता रहे हैं, जैसे अगर ये फर्स्ट पिक्चर, हम यहाँ पर मान लें कि ये पहला जो पिक्चर है, यही इसका जो है फ्रॉग का फर्स्ट स्टेज है. ओके, तो यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे 1. बट आपको यहाँ पर 1 नहीं लिखना है, क्योंकि आपने भी लास्ट पिक्चर में देखा था, पेज नंबर 59 में, कि फ्रॉग का ये फर्स्ट स्टेज नहीं होता. जब फ्रॉग का लाइफ साइकिल में जब वो पहला स्टेज होता है, पहला जीवन चरण होता है, तो वो एग रहता है. तो जैसे आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, यहाँ पर ये देखिए थर्ड पिक्चर में, ये बिल्कुल ये पहला स्टेज है. तो आपको यहाँ पर नंबरिंग करना है 1. ऐसे ही आपको पूरा नंबरिंग करना है. डू इट योरसेल्फ. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू.